फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इसमें चार लाइन है, हर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर सबके लिए एक लाइन। मुझे पता चल जाएगा कौन सुनने। कैस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। सेकंड ईयर वाले बात हुई नहीं है लेकिन स्टोरी प्लांट कर देते कि आज कैसा हुआ था जैसा हुआ। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। दो पंक्तियां कविता की भी पढ़ रहा हूं और फाइनल ईयर के लड़कों के लिए पढ़ रहा हूं। आपकी तालियां देखना चाहूंगा इन पर। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा। और जो करिए लाइफ में पूरा करिए कंप्लीट, इश्क करिए तो पूरा। जैसा कहा अब पढ़ रहा हूं कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। वाह करो। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। एकदम ताजा पढ़ रहा हूं वर्जिन मोबाइल से देख के, इसलिए दाद मांग रहा हूं। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। और अगली पंक्ति पर वार करना, मैं समझ जाऊंगा इस कंसेप्ट में जीने वाले लोग भी हैं यहाँ पर। देखना चाहता हूँ कैसे हैं। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो। मेरे दोस्त है बहुत बड़े ज्योतिषी है, नाम नहीं बताऊंगा, प्राइम चैनल पे आते हैं। एक दिन आए वो तो उनके पैर से लाठी लेके चल रहे थे, हॉकी लेके। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोले यार वो मैं उस दिन प्रोग्राम दे रहा था कि इस महीने आपका भाग्य कैसा रहेगा, तो मैं बाहर निकला तो वो चैनल की सीढ़ियों से थोड़ा फिसल गया, मेरी हड्डी टूट गई। मतलब वो बता के आए थे कि आपका ये महीना कैसा रहेगा, ये टाइम कैसा रहेगा, और खुद भी टूट गई। तो मैंने दो लाइन लिखी, आप देखिएगा। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, अब बताना। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं।